हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड टू ऑल द न्यू एंड रैंडम व्यूअर्स हु वॉच माय शॉर्ट्स एंड वीडियोस। आप सभी का एक बार फिर से ऑर्डिनरी ऑफिसर के नए व्लॉग में स्वागत है। अ वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू टू द न्यू व्लॉग ऑफ ऑर्डिनरी ऑफिसर। ये मेरा 12th एपिसोड है मनी महेश यात्रा के श्रृंखला में और अभी हम हिमाचल प्रदेश में हैं। पिछले एपिसोड में हमने खजियार को एक्सप्लोर किया, अब हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। खजियार से आगे चंबा तक का रास्ता ऑलमोस्ट डाउनहिल है आफ्टर एन इनिशियल स्लाइट अपहिल राइड ऑफ 1-2 किलोमीटर्स। खजियार से 8-9 किलोमीटर दूर रेंडो विलेज पड़ता है। हमें चंबा जाने के लिए मेन विलेज में तो नहीं जाना पड़ता, पर होटल स्नो व्यू रेस्टोरेंट एंड ढाबे से मुड़ना पड़ता है। ये विलेज चंबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। इस विलेज के लिए चंबा इज द नियरेस्ट टाउन फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर हम चंबा के लिए नहीं मुड़ते और सीधे रेंडो विलेज के लिए निकल जाते तो एज पर साइनबोर्ड जो पिछले चौक पे लगा रखा था, होटल स्नोव्यू से डलहौजी 29 किलोमीटर्स, खजियार 7 किलोमीटर्स, चुवाड़ी 34 किलोमीटर्स एंड जोत इज अराउंड 11 किलोमीटर्स। दिल्ली से अभी तक की राइड बहुत ही स्मूथ थी, मौसम ने भी अपना पूरा साथ दिया, कभी धूप कभी बारिश एंड मोस्ट ऑफ द टाइम खुशनुमा वेदर था। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स और शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई डोंट नो कि आपने ये अभी तक रियलाइज किया कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होटल स्नो व्यू रेस्टोरेंट एंड ढाबे से जब हम मुड़े तो वहाँ से गड्डी मैं न्यूट्रल में ही चला रहा हूँ और स्पीड लगभग 40-50 किलोमीटर पर आर है। हम जाते टाइम चंबा को एक्सप्लोर तो नहीं करेंगे, मे बी अगर लौटते टाइम कुछ समय बचा तो शहर के मार्केट और रेसिडेंशियल एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे बाइक से ही। मेरे कंटेंट में मैं कोई क्लिकबेट या अननेसेसरी थंबनेल नहीं डालता हूँ, आई प्रेफर प्लेन एंड सिंपल शॉर्ट्स एंड वीडियोस। मेरे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है एज आई एम एन एविड ट्रेवलर एंड एक्सप्लोरर। ये मैटर नहीं करता कि मैं बाइक से ट्रेवल कर रहा हूँ या कार से या फिर बस या ट्रेन। आई लव बीइंग आउटडोर्स एंड विजिटिंग न्यू प्लेसेस। मेरा इमीडिएट गोल है अपने गूगल टाइमलाइन में इंडिया के मैप को पूरा लाल कर देने का। करेंटली मेरा टाइमलाइन ऐसा दिख रहा है। आप अगर मेरे टाइमलाइन को ध्यान से देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि मैंने माउंटेन्स को एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर कर रखा है
और आगे भी करता रहूंगा। मेरे को बीचेस भी इक्वली ही पसंद है एंड मैं उनको भी एक्सप्लोर करता रहूंगा। मेरे को नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर भी एक्सप्लोर करने का बहुत मन है बट मैं प्लान नहीं बना पा रहा हूँ। मे बी इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स विल वर्क ऑन एग्जीक्यूटिंग माई नॉर्थ ईस्ट एडवेंचर प्लान। अभी नियर फ्यूचर में मैंने सनासर हिल स्टेशन जो कि जम्मू में पड़ता है उसको एक्सप्लोर करने का भी प्लान बना रखा है। साथ ही हम पटनी टॉप को भी एक्सप्लोर करेंगे। उसके इमीडिएट बाद हम राजस्थान में अजमेर और पुष्कर भी जाएंगे। नवंबर में काशी विश्वनाथ वाराणसी जाने का भी प्लान बना रखा है। इसके लिए मैंने एडवांस में ही ट्रेन की बुकिंग और होटल भी बुक कर रखा है। और जैसा कि मैंने अपने इस सीरीज के पहले एपिसोड में प्लान बताया था, मणि महेश यात्रा से लौटते समय हम कोशिश करेंगे कि पंजाब में जलंधर और लुधियाना को भी विजिट करें। इनके अलावा कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ और ज्योतिषर भी जाने का प्लान बना रखा है। ये साउंड न्यूट्रल में चल रहे बाइक और हवा की है। अब आप बाइक की साउंड को सुने जब हम बाइक को गियर में चला रहे हैं। अगर आप इंडिया के अलग अलग जगह के बारे में जानना चाहते हैं और उसे मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल पे डेली शॉर्ट्स एंड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ माय बिलव व्यूअर्स। आप घर में बैठकर चाय की चुस्की लें और वीडियो का आनंद उठाएं, नेचर को भी एंजॉय करें। हम फिर मिलेंगे अगले शॉर्ट ब्लॉग या एपिसोड के साथ। हर हर महादेव। जय माता दी। जय भोले बाबा की। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त फैमिली और कलीग सभी के साथ शेयर भी करें। आप अपने सुझाव मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। भरमौर को यही रास्ता जाएगा ना? भरमौर चंबा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।
प्लीज एक्सेप्ट माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, अडियोस अमिगोस। हम अभी चंबा में ही हैं। आगे की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम किसी पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे और इस वीडियो को वहीं एंड कर देंगे। एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी, जय भोलेनाथ की।